नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कल आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और काफ़ी जो है कि अपने हौसले को दिखाया है। बिहार लोक सेवा आयोग ऑफिस के सामने आप लोग कल 12 बजे पहुंचे, उसके लिए मैं काफ़ी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों का मनोबल बढ़ सके और आप लोग आने वाले समय में अगर आंदोलन होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के और हिस्सा लें, ताकि बिहार लोक सेवा आयोग को ये सबक मिल सके कि हमने जो रिजल्ट दिया है उसमें कितनी बड़ी मात्रा में जो है कि हमने गड़बड़ी की है। क्योंकि आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती उसने किया है, वो मान नहीं रहा है। जबकि हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने तो साफ साफ ये भी कह दिया है कि जिनका लक फैक्टर ज़्यादा मजबूत है उन्होंने जो है कि इस परीक्षा में अपना नाम दर्ज कराया है, लेकिन जिनका लक फैक्टर जो है कि मजबूत नहीं है उनका रोल नंबर इस पेपर में जो है कि नहीं है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो लक फैक्टर जो है कि आपके लिए काफ़ी मायने रखता है अगर बिहार में आप पेपर दे रहे हैं तो। तो अगर आप अपना लक जो है कि या तो अतुल प्रसाद जी से लिखवा लीजिए, नहीं तो आप जो है कि जो ब्रह्मा जी आपके भविष्य को लिखते हैं उनसे लिखवा लीजिए आप लोग, ताकि आपका लक मजबूत हो और आप जो है कि पेपर में जब बैठें तो आपका लक, पढ़ाई थोड़ी कम भी हो ना तो लक आपका 90% 100% काम करना चाहिए, तभी जो है आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे। इसके अलावा आप तो बिहार में अगर परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, बिहार लोक सेवा आयोग का हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, तो भी आप जो है कि सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे अगर आपका लक फैक्टर जो है कि काफ़ी मजबूत नहीं है तो। और एक बात उन्होंने ये भी कहा था अपने एक क्लिप में जो है कि एक वीडियो क्लिप में, कि एक नंबर के अंतराल पे काफ़ी लड़के बाहर हो जाते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जो 67वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसमें जो निचली रो में, जो निचला वाला एकदम बिल्कुल लास्ट के पेज में जो निचला वाला रो है उसमें 70, 71, 72, 73, 74 उसके बाद से 78 करके हैं, ये लड़के जो पास हुए हैं वो इनका लक फैक्टर कुछ ज़्यादा ही मजबूत रहा होगा कि ये पास हुए हैं। उसके बाद से जो स्टिकर लगाए गए हैं पीडीएफ में उनका भी लक फैक्टर काफ़ी मजबूत रहा होगा, तभी तो जो है कि उनका रिजल्ट जो है कि इस 67वीं बीपीएससी में है। अदरवाइज उनका तो रिजल्ट रहता ही नहीं, क्योंकि उनका लक फैक्टर 100% काम किया है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। जबकि वो अपने ही वीडियो में कहते हैं कि एक नंबर में करीब करीब 2,000 से 3,000 बच्चे 4,000 बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि इस वाले नंबर में जो है कि लड़के कहाँ हैं, अंतर क्यों नहीं है। फिर 1,000 का अंतर तो होना चाहिए, 1,000 का नहीं 500 का तो होना चाहिए, 500 का भी छोड़िए 200 का तो होना चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं, इनका लक फैक्टर मजबूत है इसलिए जो है कि इनका रिजल्ट हुआ है। मैं कैसे मान लूं या और छात्र कैसे मान लें या जितने भी हमारे बिहार के टीचर हैं, एजुकेटर हैं, वो कैसे मान लें इस बात को कि उनका लक फैक्टर काफ़ी मजबूत रहा है तभी उनका रोल नंबर जो है सीरियल वाइज है, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे छात्रों का ये भी आरोप है कि वो छात्र जो है कि बहुत सारे छात्र जो है कि अब्सेंट थे उनका इस रिजल्ट में नाम है, कैसे मान लिया जाए इस बात को कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। आपने ये भी तो जब आपने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है उसमें रिजल्ट का कैलेंडर भी जारी किया है कि 14 तारीख को जो है रिजल्ट दे देंगे, फिर भी आप 3 दिन लेट करके रिजल्ट देते हैं और कहते हैं कि हम निष्पक्षता बरत रहे हैं। इस तरीके से निष्पक्षता बरती जाती है, आप जरा सोच के बताइए। ऊपर से जो है कि 7-8 क्वेश्चनों का आप मार्जिन लेकर चलते हैं, किस लिए लेकर चलते हैं, ताकि बच्चों को आसानी से छांटा जा सके और अपने बच्चों को भरा जा सके। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि अगर आप जो है कि अतुल प्रसाद जी अगर नहीं माने तो हमारे नेता दिल्ली भाई की अगर मैं बात करूं तो एक महा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, आपको जो है कि इसका जो है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपने जो है कि रिजल्ट में फिर से संशोधन नहीं किया तो आपको इसका जो है कि दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा और दिल्ली भाई से भी यही कहूँगा कि जो हमारा अगर महा आंदोलन होता है तो उसका एक डेट फिक्स करें। जिस तरीके से कल जो है कि भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है, उससे भारी संख्या में जो है कि भीड़ इकट्ठा हो बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस के सामने, और वो लोग जो है कि बिना किसी क्षतिपूर्ति के, यानी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, अपने आंदोलन को अंजाम दें, ताकि फिर से आयोग को एक बार झुकना पड़े, जैसे कि उन्होंने जो है कि एग्जाम के टाइम में एक बार झुके थे, उसी तरह जो है कि फिर एक बार रिजल्ट के सामने उनको झुकना पड़ेगा। क्योंकि 7-8 क्वेश्चनों के वेरिएशन से काफी लड़के बाहर हो जाते हैं।
ये तो ऐसे समझिए कि ये तो ऐसे अपने आप को बना लिए हैं जैसे कि हम बाप हैं और बिहार के जितने भी छोटे आयोग हैं वो सब जो है कि इनके बेटे हैं। अगर उनके ये बेटे हैं और मैं बाप हूं, यानी कि बीपीएससी अपना अपने आप को बाप समझ रही है, तो मैं कहूंगा उससे कि जो ये क्वेश्चनों का खेल है ना, जो गड़बड़ क्वेश्चनों का खेल है, ये जो चोली दामन का खेल खेल रही है आयोग, ये जो है कि अपना चोली दामन का खेल को जो है कि छोड़ दे, अदरवाइज पूरे बिहार में जो है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जिससे जो है कि आयोग को जो है कि निष्पक्षता बरतनी ही पड़ेगी। आयोग जो है ना कि इन आयोगों को जो छोटे जैसे बिहार दरोगा चयन आयोग है, उसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, इनको अपना बेटा समझती है, कहती है कि भाई तुम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया है, जो उसका आंसर दिया है, उसी बुक में जो है कि इसी बीपीएससी प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं 67 में, वही क्वेश्चन आया है, उसका आंसर भी जो है इसमें दिया हुआ है, लेकिन उसका आंसर बीपीएससी जो है कह रही है ये नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन होगा, और कर्मचारी चयन आयोग वही आंसर जो है कि कह रहा है कि ये सही होगा। तो बीपीएससी कह रही है कि भाई तुम बेटे हो, तुम बेटे की तरह रहो, हम बाप हैं, हम बाप की तरह रहेंगे। मतलब मनमानी, कुछ भी मनमानी अपने आप कर रही है, जैसे कि लग रहा है कि उसने जो है कि बिहार में जो है कि अपना एक बहुत बड़ा प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। प्रभुत्व भी है तो उस आयोग का तो बच्चों से ही तो है, वो कार्य तो बच्चों के लिए ही कर रही है ना, एग्जाम कंडक्ट करा रही है, फिर जो है कि सिलेक्शन करा रही है, काम तो बच्चों के साथ ही करना है उसको, तो फाइनली बच्चों के साथ उसको निष्पक्षता बरतने में क्या हर्ज है? हमें तो नहीं लगता कि कोई हर्ज है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर महाआंदोलन होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बिहार से जितने भी युवा हैं सब साथ आएं, ताकि जो है कि उनको जस्टिस मिल सके, उन छात्रों को। और मैं उन छात्रों से भी कहूंगा कि जो इस पीटी परीक्षा में पास हुए हैं, मैं सबसे कहूंगा कि वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वो अपने आप को ये ना समझें कि मेरा जो है रिजल्ट हो गया है तो मैं बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने में तेज हूँ। मैं आपको बता दूँ कि कर्मचारी चयन आयोग चाहे वो हो, बिहार दरोगा आयोग हो, या मेन अगर मैं बात करूँ बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को, इसमें अगर आपका लक नहीं है ना तो आप बिहार में जो है चयन नहीं हो सकते, अकॉर्डिंग टू अतुल प्रसाद जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं एजुकेटर हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं तो वही कहूंगा कि आप अपनी मेहनत करिए और मेहनत के साथ जो है कि अपने अंदर एक हौसले को बिल्डअप करिए ताकि आपका रिजल्ट में नाम हो, मैं आपसे यही कहूंगा। लेकिन कुछ जो है कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो है कि पूर्व आईएएस ऑफिसर जब ऐसी बातें करते हैं कि अगर आपका लक फैक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए तो एक आश्चर्यजनक की बात होती है और उस पर सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है। इसी में अगर मैं बात करूं तो मैंने पेपर लाया हुआ हूं मैं पेपर, और पेपर में भी दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे कि कितना वेरिएशन है। तो मैं आपको दिखा देता हूं पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि 125 सेट सी का क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो ऑप्शन में है पश्चिमी शक, वकाटक, कुषाण और चेरा। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कि आपका कुषाण आंसर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आयोग ने चेरा ऑप्शन दिया है। अगर उन्होंने चेरा ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर जो है कि ई जाना चाहिए, या तो आपका ऑप्शन जो है कि कुषाण जाना चाहिए। अगर आयोग बहुत ज़्यादा सुधार करती तो ऑप्शन ई जाता इसका, लेकिन आयोग ने इसको भी गलत किया है। इसके अलावा ये सती प्रथा की अगर मैं बात करूं, 130 नंबर क्वेश्चन सेट सी का, कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग के प्रारंभ किए गए? तो इसका ऑप्शन जो है कि डी होना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन जो है कि आयोग जो है कि नहीं मान रही है, ये भी गलत है। इसके अलावा आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूं 79 नंबर क्वेश्चन जो है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है, ये दोनों ऑप्शन जो है कि ठीक हैं, लेकिन लड़कों ने ज़्यादातर प्रीफर किया है यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। आयोग कह रही है कि नहीं, यह लंबे समय तक बढ़ता है, मैंने मान लिया कि यह लंबे समय तक बढ़ता है तो इसका ऑप्शन ही देना चाहिए, लेकिन तुम तो वो भी नहीं दिए हो मेरे भाई, कम से कम वो तो दे देते। इसके अलावा आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन और, देखिए भाई ये सीबेक प्रभाव है, 72 नंबर क्वेश्चन 72 नंबर सेट सी का, इसका सीबेक प्रभाव और थम्सन प्रभाव दोनों इसमें दिया गया है,
या तो इसमें जो है कि सीबेक प्रभाव देता आंसर, या तो जो है कि थॉमसन प्रभाव जो है इसका आंसर देता। अगर इन दोनों कंडीशन में नहीं होता तो इसका ऑप्शन ई जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया है आयोग ने। तो ये आयोग जो है वेरिएशन लेकर चलता है ना, जिससे कि अपने बंदे को अंदर डाल सके और दूसरे बंदे को बाहर निकाल सके। जब अपने बंदे को अंदर डालेगा ना भाई, तो उसको मोटी रकम मिलने वाली है। जब रकम मिलती है तो भाई इस धरती पे अच्छा खासा इंसान जो ईमानदारी का ढोंग पीटता है ना, वो भी जो है कि उस रकम को देख कर कहता है भाई आने दो जो आ रहा है, ठीक है, फिर जो होगा देखेंगे। क्यों? क्योंकि मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है, कौन देखा है, कौन नर्क और कौन स्वर्ग देखा है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आंदोलन होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और उस हिस्से में जो है कि आपकी भूमिका बहुत ही मायने रखती है, ताकि आप दिल्ली भाई का पूरे पूरे से सपोर्ट कर पाए, जिससे जो है कि आप बिहार में और निष्पक्षता आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।